कि जाकर मसीह दज्जाल को कहूँ कि मसीह दज्जाल को फॉलो कर रहे हैं लोग, तो गुनाह हो गया, मैं गुनाहगार हो गया। तुम्हारी नज़र में तो गुनाहगार हूँ, लेकिन दुनिया की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, मतलब सच्चाई की नज़र में मैं बहुत ईमानदार अच्छा शख्सियत हूँ माशाल्लाह से। अल्लाहु अकबर। तो ये वीडियो आदिल अहमद, सोहेल अहमद के लिए, शुक्र भाई के लिए, फरहत फुप्पू के लिए, सब के लिए। फरहत फुप्पू, मानता हूँ मैं, मेरे वालिद साहब जो है पक्के मजहबी नहीं रहे, गुमराह रहे, लेकिन वो री इनकारनेट हो चुके हैं फिर से स्पिरिचुअली, और मेरा ही बेटा बनकर जन्म लिए हैं लैतुल्लाह की शक्ल में, और मेरी वालदा भी री इनकारनेशन का मामला फिर से हुआ है। आप बोलेंगे कि री इनकारनेशन इस्लाम में नहीं है, आपको इल्म नहीं था इसका। इसका जिक्र बिहारुल अनवार हदीसों में मौजूद है रजत के नाम से, सही बुखारी सही मुस्लिम में इसका जिक्र मौजूद है। ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे महदी अलैहिस्सलाम बनकर, और तुम में से तुम्हारे इमाम होंगे। तो रूह अल्लाह, मेरा इंतकाल हो गया जब मैं रूह बनकर आसमान पे गया, तो दोबारा मुझे महदी अलैहिस्सलाम बनाकर पैदा किया गया। इसका जिक्र हिंदुइज्म में है, इसका जिक्र बाइबल में है, हर जगह। अब आप इसका इनकार करते हैं, आपको इल्म नहीं है, क्योंकि आपको मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी ने एक ऐसी इंग्लिश सिखाई है, ये काम ये हो गया है बोलना है तो इट इज़ डन बोलना है इंग्लिश में, इट्स डन। लेकिन उसने क्या सिखाया आपको, डन की डना डन, डन की डना डन। अब ये इंग्लिश उसने सिखाई है आपको, और आप वो इंग्लिश मेरे को बोल रहे हैं, तो ज़रा सोचिए। उसने सिखाया 13वीं सदी हिजरी सोलार एक्लिप्स, लोनार एक्लिप्स, अरे भाई वो सोलार लोनार एक्लिप्स ऐसे कई हो चुके हैं, वैसा मखसूस जैसा हदीस में आया वैसा अभी तक हुआ ही नहीं है कभी। समझ में आ गई बात, आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, और बेवकूफ़ बनते हैं, और अपने खून को आप गलत समझते हैं, ये आपका गुनाह है। तौबा कीजिए, मेरे साथ हो जाइए, मेरी बैत कर लीजिए, मेरे साथ हो जाइए, अल्लाह का काम करना है अल्लाह के वास्ते। मेरा ईमेल आईडी है softahmedg@yahoo.com, डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, और ये वीडियो को सबको रिश्तेदारों में बताओ, पूरे अहमदिया जमात को बताओ।